डियर लवली स्टूडेंट्स, हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट टू लेकर मैं आप सबों के सामने हूं। और आज हम लोग जानेंगे कि क्रॉप्स, कौन सी फसल पहली बार उगाया गया, कहाँ उगाया गया, कब उगाया गया और शहर कैसे डेवलप हुए। तो क्रॉप्स, जैसा कि आप मैप देख रहे हैं इसमें, तो मैप में ये बीचों बीच है विंध्य पर्वत, ठीक है, बीचों बीच ये है विंध्य पर्वत। तो विंध्य पर्वत के उत्तर में, यानी यहां इधर विंध्य पर्वत के उत्तर में पहली बार चावल उगाया गया था, धान जिसे कहते हैं, तो वो उगाया गया था। अब गेहूं और जौ की मैं बात करूं तो यहां था सुलेमान और किर्तन हिल्स, सुलेमान और किर्तन हिल्स के पास पहली बार गेहूं और जौ की खेती हुई लगभग 18,000 साल पहले, अबाउट 8,000 ईयर्स एगो, ठीक है। पीपल नाउ बिगन रियरिंग, अब मवेशी पालने लगे लोग, जैसे शीप, गॉट, उसके बाद कैटल, तो एंड लिव इन विलेज, अब वो गांव में रहने लगे। तो अब मैप में इधर है गारो हिल्स, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां जो है ये पूर्वोत्तर राज्यों में है, ठीक है, इतना याद रखना। अब हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा ये हम जानेंगे, लेकिन पहले सिटीज के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो भी बड़े बड़े शहर थे इंडिया के, अभी भी पटना है, भागलपुर, हरिद्वार, इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, सभी बड़े बड़े शहर किसी न किसी नदी के किनारे हैं, जानते हैं। वही स्थिति पूरे वर्ल्ड के साथ है कि वर्ल्ड में भी जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे हैं। तो क्या हुआ कि जब एग्रीकल्चर डेवलप हुआ तो लोग पहले माइग्रेट करते थे, अब माइग्रेट करना बंद हो गया, लोग एक जगह स्थायी रूप से रहने लगे, ठीक है। अब है गंगा, जो है गंगा की अनेक सहायक नदियां भी हैं, ट्रिब्यूटरीज जिसे हम कहते हैं, जैसे हो गया सोन, पुनपुन, फल्गु, कोसी, यमुना, ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। तो ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर, ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं, स्मॉलर रिवर होते हैं। तो सिटीज फ्लोरिस्ट ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स, लेटर अबाउट 2500 ईयर्स एगो, यदि मैं बात करूं 2500 साल पहले की, तो सिटी डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे बड़े बड़े शहर उभर आए। अब है कि उस समय लोग ट्रैवल करते थे, आज भी लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन पर्पज उस समय लाइवलीहुड के लिए लोग ट्रैवल करते थे, जैसे शिकार हुआ या व्यापार हुआ। आजकल भी हम लोग माइग्रेट करते हैं, पढ़ाई पढ़ने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, या व्यापार करने जाते हैं, ठीक है, या इलाज करवाने जाते हैं, या घूमने, सैर सपाटा करने जाते हैं। लेकिन उस समय जो ट्रैवलिंग होती थी वो आसान नहीं था, खतरनाक मार्ग जो होते थे काफी डेंजरस होते थे। तो लेकिन पर्पज अभी भी सेम है, लोग जीविका के लिए या स्वास्थ्य के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अब है नेम ऑफ द लैंड, हमारे देश का नाम, तीन नाम है, चार नाम है, आपको पता है, एक है इंडिया, इंडिया, उसके बाद भारत, फिर है आर्यावर्त है। अब देखिए इंडिया कैसे नाम पड़ा, तो ये सिंधु नदी जिसे हम इंडस कहते हैं इंग्लिश में, तो उसी को ईरानियों ने क्या किया, इंडोस कहते कहते इंडिया नाम पड़ गया। अब बात करते हैं हम भारत की, तो भारत नाम भरत कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ठीक है। तो आप मैप में ईरान और ग्रीस को देख सकते हैं एटलस में। अब है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, यानी अतीत को जानना। तो अतीत को जानने के लिए आप यहां जो देख रहे हैं बुक में, यह है मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखा जाता था, किसी वृक्ष या बर्च ट्री की छाल पर लिखा जाता था या भोजपत्र पर लिखा जाता था। बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट विलुप्त हो गए हैं या सर गए हैं, कीड़ा खा लिया उसे, तो मैन्युस्क्रिप्ट से भी हम जानते हैं इतिहास को। उसके बाद है इंस्क्रिप्शन,
इंस्क्रिप्शन से, देखिए ये पत्थर पर इंस्क्रिप्शन जो होता है वो सॉलिड सरफेस पर लिखा जाता है। किस पर? सॉलिड सरफेस, चाहे वो कॉपर प्लेट हो या स्टोन हो या पिलर हो, उस पर लिखे जाते हैं। तो जैसे अशोक ने लिखवाया था अपना 14 शिलालेख उसके थे, पत्थरों पर लिखवाया था अपना मैसेज। तो मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में यही अंतर है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स वेर रिटन ऑन हैंड, रिटन बाय हैंड ऑन बार्क, द बार्क ऑफ द बर्च ट्री, ठीक है, जबकि इंस्क्रिप्शंस वेर रिटन डाउन ऑन हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन पिलर एंड कॉपर प्लेट। तो इंस्क्रिप्शन परमानेंट है, ना उसमें जंग लगेगा, ना गलेगा, ना जलेगा, ना सरेगा। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये सभी चीजें भी मिली है, मिट्टी के बर्तन, ये आप देख सकते हैं ये मुहर है, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों की हड्डी उसको मिले हैं, उस हड्डी से औजार बनाया जाता था, धारदार हथियार बनाया जाता था। तो उस समय लोग व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, अतीत में लोग क्या खाते थे, तो प्लांट रिमेन्स, प्लांट के जो रिमेन्स होते थे जैसे सीड्स ऑफ ग्रेन्स और पीसेज ऑफ फूड हैव बीन बर्न्ड, दे सर्वाइव इन ए चेयर्ड फॉर्म। अब है हिस्टोरियंस, दैट इज ए स्कॉलर, इतिहासकार जो होता है बहुत बड़ा विद्वान होता है, वो स्टडी द पास्ट, जो अतीत का अध्ययन करता है। अब फिर यूज द वर्ड सोर्स, मतलब इतिहास के क्या स्रोत है। तो यही सब है कि स्टोर इंस्क्रिप्शन है, मैन्युस्क्रिप्ट है, आर्कियोलॉजी, ट्रेवलर्स अकाउंट, इसके जरिए हम इतिहास को जानते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, एक पार्ट और मैं लेकर आऊंगा तो फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूं। थैंक यू।